बनाने जा रहा हूँ फ्रोजन पराठे, फ्रोजन लच्छे वाले पराठे, जो के बनाना बहुत ही आसान है। रमजान में आप इसको फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं और ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी हैं। चलिए तो पराठों के लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा 1 टेबल स्पून नमक चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून मैं नमक इसमें ऐड कर दूंगा। मेरे पास 1 kg मैदा है, मैदा मैंने लिया 1 kg। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर दूंगा। नमक मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल है मेरे पास, यहाँ पे घी नहीं हम डालेंगे मैदे में, ऑयल है मेरे पास 3 खाने के चम्मच ऑयल के, ये ऐड कर देंगे। ऑयल भी ऐड हो गया। यहाँ पे 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे हम, ग्राइंड की हुई चीनी है मेरे पास 1 टेबल स्पून, हम ये ऐड कर देंगे। शुगर 1/2 टीस्पून, मीठा सोडा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं ऑप्शनल के लिए हम मिल्क पाउडर किसी भी तरह का ले सकते हैं, हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। खाने के 4 चम्मच है मिल्क पाउडर, इससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है, ये ऐड कर देंगे। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिए कुकिंग ऑयल हम डालेंगे, घी नहीं डालेंगे इसमें, नहीं तो सारे जो हमारे फ्रोजन पराठे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इधर हमें बस कुकिंग ऑयल ही ऐड करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जो चीज़ें मैदे में ऐड की थी वो अच्छी तरह मिक्स कर ली हमने। अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे, पानी आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की मकदार में डालेंगे हम पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूंद लेंगे इसे अच्छी तरह, बस ना ज़्यादा थिक रखेंगे ना ज़्यादा वो पतला रखेंगे, इसे मीडियम रखेंगे हम कि अच्छी क्वालिटी रहे, सख्त ही हो थोड़ा, ताकि ये आधा घंटा जब हमें इसे स्टे देंगे तो ये नरम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मैदा वो गूंद लिया है अच्छी तरह। अब हम इसको एक बोल ले लेंगे, बोल में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, ये देखें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, इसको नीचे हम यूं हाथ की मदद से लगा लेंगे सारी तरफ, ये देखें इस तरह हम चारों तरफ हम इसको फैला लेंगे तेल को, कुकिंग ऑयल को। जी तो व्यूअर्स, कुकिंग ऑयल लग चुका है। अब हम ये जो मैदा है इसको इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और इसके ऊपर जो बचा हुआ हमारे पास कुकिंग ऑयल है वो ऐड कर देते हैं और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह लेप कर देंगे इसके ऊपर कोटिंग, और इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये आटे को रेस्ट देंगे हम, इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखें ना ज़्यादा मीडियम है ना ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिटी से गूंदा गया है। आप भी सेम इसी तरह गूंदिएगा। जी तो व्यूअर्स, हमने अपना जो मैदा गूंदा हुआ है वो रेस्ट पे रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे देसी घी ले ली है, 1 कटोरी देसी घी है मेरे पास, यहाँ आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं पराठों के हिसाब से। अब मैं इसमें दो टेबल स्पून मैदा ऐड कर दूंगा, छोटी वाले नहीं करेंगे। ये देखें इस मकदार में हम 2 मैदे के चम्मच ऐड कर देंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैदा मिक्स कर लिया इसमें, ये देखें जो डालडा घी वो देसी घी है इसमें हमने मिक्स कर लिया। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने जो गूंदा हुआ मैदा था इसको रेस्ट पे दिए हुए आधा घंटा हो चुका है, चले इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा यूँ उसकी पाउडर ऐसे छिड़का लेंगे, ये देखें, और उसके बाद हम
मैदा ले लेंगे अपने हिसाब से, जितने बड़े क्वालिटी के रखना चाहते हैं आप, छोटी क्वालिटी के रखना चाहते हैं, जिस क्वालिटी के रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से पेड़े बना लीजिए। ये देखें मैं मीडियम साइज़ के बनाऊँगा, गोल मोल आप पेड़े बना सकते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेड़ा तैयार है। बाकी मैदे के भी इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेते हैं। एक मरतबा हम फर्स्ट में ऐसे पेड़े बनाएंगे, फिर सेकंड में हम लच्छे वाले पेड़े बनाएंगे। अभी ये फाइनल नहीं है, सारे पेड़े इसी तरह बना लेंगे गोल मोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स हम पेड़े हमारे तैयार हैं। चलिए अब इसको लच्छे इनको एक मरतबा हम लंबा कर लेते हैं, आपको करके दिखाते हैं, और फिर दोबारा से इसका पेड़ा करेंगे, लच्छे टाइप का पेड़ा करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम का एक पेड़ा बनाया है, 100 ग्राम का एक पेड़ा। और एक पेड़ा हम ले लेंगे, इसको हम अच्छी इसको बेल लेंगे अच्छी तरह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अपने हिसाब से हम इसको बेल लेंगे, जितना मोटा रखना है आपने, जितना पतला रखना है उस हिसाब से बेले जाएं। आपको इसको लंबा कर लें, जी। तो व्यूअर्स रोटी को हमने लंबा चौड़ा बेल लिया। अब जो हमने जिस वो देसी घी में मैदा मिक्स किया था, ये थोड़ा सा लेंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें इसको हाथ के साथ यूं स्प्लिट कर लेंगे अच्छी तरह, और थोड़ा सा मैदा लेंगे, इसकी ऐसे छिड़काव कर देंगे इसके ऊपर। जी तो व्यूअर्स मैदे का छिड़काव हो गया। अब इसको एक किनारे से पकड़ेंगे और इसको यूं हम ये देखें लच्छे टाइप बना लेंगे, ऐसे ऐसे छिड़का के, और दो फिंगर ले लेंगे, दो फिंगर के ऊपर इसको यूं बेल लेंगे, पेड़ा बना लेंगे इसका। ये देखें, ये देखें, और इसका जो ये बल होगा ये हम निचली साइड पे इस साइड पे फंसा देंगे। ये देखें बड़ा इजी पेड़ा ये बन जाता है बल वाला, ये देखें। और इसको साइड पे रखते जाएंगे, एक पेड़ा और हम आपको बना के दिखा देते हैं। जी तो व्यूअर्स पेड़े को हमने बेल लिया। अब हम यहाँ पे फिर वही देसी घी ले लेंगे मैदे वाला, इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे और हाथ की मदद से अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्लिट कर देंगे। ये देखें बहुत आसानी से जल्दी जल्दी से हो जाता है। और इसके ऊपर मैदा लेंगे, मैदे का थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे, ये देखें, और इसको यूं किनारे से पकड़ेंगे और इस तरह झाड़ लेंगे, झाड़ के इसको थोड़ा सा खींचेंगे, ये देखें, और इसको दो फिंगर्स पे लेके, ये देखें, ये हमारा पेड़ा हो गया तैयार। ये देखें लच्छेदार पेड़ा हमारा तैयार हो गया। बाकी भी पेड़े इसी तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो दोबारा लच्छा पेड़ा तैयार कर लिया है। अब हम इसको बेल लेंगे, बेल के जिस मकदार में हमें इसको सेक देना है वो दे के, जो फ्रीज़र में स्टोर करना है, हम आपको बताते हैं कि इस मकदार में हम इसको सेकेंगे। चलें सबसे पहले इसको बेल लेंगे, एक पेड़ा ले लेते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हम थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, इसका छिड़काव ऐसे कर लेंगे, ये देखें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपना पेड़ा ले लेंगे, ये देखें पेड़ा हमने ले लिया। पेड़े को हम इस तरह दबा लेंगे, दबा के नरम हाथों से दबाएंगे, दोनों तरफ से इसी तरह हम इस तरह कर लेंगे और इसको बेलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नरम हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा सख्त हाथों से बेलना इसको नहीं बेलेंगे। इसको थोड़ा सा पहले लंबा कर लेते हैं, अब इसको बेल लेते हैं। मैंने हाथ से इसे थोड़ा सा लंबा कर लिया, बेलने के साथ अब इसे बेल लेते हैं, हल्की बेलेंगे, ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं बेलेंगे। आप अपने हिसाब से इसको छोटी बड़ी रोटी रख सकते हैं, मोटी अपने हिसाब से, पतली, सब कुछ आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स रोटी हमारी बेली जा चुकी है।
अब हम इसको तवे के ऊपर डाल लेते हैं। तवा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुका है। अब हम रोटी को लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हल्का सा इसे सेक देंगे दोनों साइडों से, 30 सेकंड एक साइड से, 30 सेकंड दूसरी साइड से सेक लेंगे इसे। जी तो भी बस 30 सेकंड हो गए एक साइड से, 30 सेकंड अब दूसरी साइड से पका लेंगे इसे। बिस्मिल्लाह। ये देख लें किस क्वालिटी में हमने 30 सेकंड एक साइड, 30 सेकंड दूसरी साइड। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह 30 सेकंड दूसरी साइड से भी हो गए हैं। अब हम इस अपने पराठे को उतार लेते हैं और दूसरा पराठा भी इसी तरह बनाएंगे। एक और पराठा हम आपको बना के दिखा देते हैं। सबसे पहले मैदा लेंगे, उसका छिड़काव ऐसे कर लेंगे, उसके बाद पेड़ा ले लेंगे। पेड़ा लेके उसको अच्छी तरह हम यूं नरम कर लेंगे, फुला लेंगे हाथ की मदद से दोनों साइडों से, और इसको बेल लेंगे। जी तो व्यूअर्स रोटी बेली जा चुकी है, चलिए इसे तवे पे डाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स तवे के ऊपर अपनी रोटी ऐड कर देते हैं। मैं मीडियम साइज से थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ रोटी। चलें इसे बस जिस टाइम के 30 सेकंड एक साइड, 30 सेकंड दूसरी साइड से पका लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रोटी हमारी तैयार हो गई, दोनों साइडों से हमने सेक ली है 30-30 सेकंड। चलें इसको उतार लेते हैं, बाकी सब को पेड़ों को भी इसी तरह हम पराठे बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स रेडी हैं हमारे पराठे, 20 पराठे बने हैं। अब इसको एक पराठा मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा। ये देखें हल्का हल्का हमने वाइट वाइट ही रखा है, दोनों साइडों से पूरा पकाया नहीं। चलिए एक पराठे को हम अच्छी तरह पका के आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स हमने एक पराठा ले लिया, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से ऐसा ही है। इसको तवे पे डाल लेते हैं और इसको पका लेते हैं जैसे आम हम पराठे पकाते हैं। हम फुल तैयार करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम देसी घी इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें अच्छी सी क्वालिटी में हम देसी घी लगा देंगे इसके ऊपर और इसकी साइड चेंज करेंगे। इस साइड पे भी देसी घी लगा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारा पलो वाला पराठा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इसको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें तैयार है हमारा बलों वाला पराठा, बहुत यमी बना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बल ही बल है इसमें, लच्छेदार है ये। इसकी क्वालिटी आप इसको पूरा एक महीना तक सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे हम इसको, स्टोर करने का तरीका भी आपको बताते हैं। ये देखें चलें तो उसको फ्रिज में स्टोर करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। जी तो व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पराठे हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे बटर पेपर है, ये देखें बटर पेपर लेंगे। सबसे पहले एक बटर पेपर ले लेंगे, इसके ऊपर पराठा रखेंगे अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर एक और बटर पेपर रख देंगे, ये शवारमा पेपर जिसमें हम शवारमा बंद करते हैं इस तरह। एक ले ये देखें एक बटर पेपर नीचे है, उसके ऊपर पराठा है, उसके ऊपर फिर बटर पेपर है, उसके ऊपर फिर पराठा रखेंगे। ये देखें इस तरह फिर बटर पेपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारे हम इसके अंदर पहले कर रख लेते हैं। जी तो व्यूअर्स पराठों का सेफ्टी पॉइंट जो है वो क्लियर है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बटर पेपर के साथ शवारमे वाला जो पेपर है हमने उसके साथ इसे अच्छी तरह फ्रिज में रखने के लिए कवर कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक बड़े साइज का शापर है, ये जिसमें सूट वगैरह पैक होते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं बड़े साइज का। हम इसको इसमें डाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स हमने शापर में डाल ली है, शापर बैग में। इसको अब ये स्टिकर वाला है या आप जिप वाला ले सकते हैं शापर। इसको अच्छी तरह यूं इधर लगा दें, इसके ऊपर कवर कर दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 पराठे हैं, 20 पराठे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। इसको हम फ्रिज में अब किसी बगैर टेंशन के हम रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जब आपका दिल करे आप निकाल के आप चाय के साथ, अंडे के साथ, किसी चीज़ के भी साथ आप फ्राई करके ले सकते हैं। आप शवारमे के लिए भी ले सकते हैं। और किसी को अगर मेरी इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना हो तो वो मुझे ज़रूर पूछिएगा। जी तो व्यूअर्स हमारी फ्रोज़न लच्छा पराठे की रेसिपी जो है बहुत ही आसान है बनाना,
आप फ्रोजन पराठे की रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में शेयर कीजिए। और जिस चीज़ को वीडियो पसंद आई हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजिम क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुँचता रहे। इसके साथ ही अपने भाई मियाँ उमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।